रीवा के बहुचर्चित सर्किट हाउस रेप कांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब तक मुख्य आरोपी महंत सीताराम दास उर्फ समर्थ त्रिपाठी समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हाल ही में 9वें आरोपी धीरेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ धीरू को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। चर्चा है कि धीरेंद्र मिश्रा महंत का पिट चेला था। वह रेप कांड के दूसरे दिन प्रयागराज के रास्ते लखनऊ पहुंचा। कुछ दिन बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए उज्जैन चला गया। यहां कई दिन रहने के बाद इंदौर गया। इधर पुलिस ने परिजनों पर दबाव बनाया तो फिर लखनऊ पहुंच गया। अंततः बुलडोजर चलने के डर से परिजनों ने सही लोकेशन बताई, तब कहीं जाकर 5 दिन पहले लखनऊ से पकड़ कर उसे लाया गया। 3 मई को कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड मांगी गई। इस बीच घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाकर 4 मई को कोर्ट में पेश किया गया है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस रेप कांड में किसका क्या रोल रहा। आरोपी नंबर 1 महंत सीताराम दास उर्फ समर्थ त्रिपाठी, विनोद पांडे, मोनू मिश्रा और धीरू मिश्रा के साथ राजनिवास के एनएक्सी भवन रूम नंबर 4 में शराब पार्टी की तथा 17 साल की लड़की से रेप कर भागा। आरोपी नंबर 2 विनोद पांडे सतना के कोलगबा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली लड़की को GDC कॉलेज में काम करवाने के बहाने बुलाया। महंत के लिए शराब पार्टी का इंतजाम भी इसी ने किया था। आरोपी नंबर 3 संजय त्रिपाठी, राजनिवास रेप कांड के बाद महंत सीताराम दास को फार्म हाउस पर रात में ठहराया, गुर्गों की मदद से सीधी के बॉर्डर तक पहुंचाया। आरोपी नंबर 4 अंशुल मिश्रा, इसके कहने पर विनोद पांडे के नाम पर सर्किट हाउस में रूम बुक हुआ था। यह संजय त्रिपाठी का भांजा है। महंत की प्रेमिका के कहने पर बाइक से महंत को सीधी के रामपुर नैकिन तक ले गया। उसने हजारों रुपए लिए, कपड़े और अन्य सामान दिए। आरोपी नंबर 6 धीरेंद्र मिश्रा, यह महंत सीताराम दास का पिट चेला है। वह पहले शराब और चखना लेकर आया, फिर 4 लोगों ने शराब पी लड़की को बस स्टैंड तक छोड़ने यही गया था। आरोपी नंबर 7 पप्पू शुक्ला, महंत को कार से सर्किट हाउस से संजय त्रिपाठी के फार्म हाउस तक इसी ने छोड़ा था। रेप कांड के बाद महंत डर गया था, उसने पप्पू शुक्ला को बुलवाया था। आरोपी नंबर 8 मोनू मिश्रा, दुबारी से महंत को कार से भीतरी तक ले गया। घटना वाले दिन शुरू से लेकर आखिरी तक महंत के साथ ही था। कार से शराब आदि लेने यही गया था। आरोपी नंबर 9 जानवी दुबे, जानवी दुबे रेपिस्ट महंत की प्रेमिका है। उसने ही तौफीक अंसारी को पैसे, कपड़े और मोबाइल देकर भीतरी तक भिजवाने की व्यवस्था की थी, सिगरौली की बस में बैठाने के लिए इसी ने बोला था। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। We'll be right back.